2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी जीतेंगे या फिर चिराग आने चाहिए? चिराग आने चाहिए, चिराग ही आने चाहिए। चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान आपको क्यों अच्छे लगते हैं? हो सकता है कि तेजस्वी के आने से कि कहीं ना वो होते ना थोड़ा कि लोग जातिवाद में आ जाते, बहुत ज्यादा आ जाते, फिर अगर वो हुआ तो फिर से वही माहौल हो जाएगा। चीज पे बहुत कम फोकस करते हैं कि कौन ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। बस मेरे जाति का होना चाहिए, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। कोई भी नेता होता है ना, हम तो एक ही बात बोलना चाहे, हम इस सबसे बहुत दूर रहते हैं। ये जो अंगूठा है ना अपने तरफ रखता है, ठीक है, जीते कोई भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूँ आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, अभी बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म है और आगामी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है। मेरे साथ बिहार की तीन बेटियां हैं, इनसे जानेंगे कि बिहार के लिए बेहतर विकल्प कौन है, चिराग बेहतर है या फिर तेजस्वी बेहतर है? क्या लगता है कौन बेहतर है? चिराग पासवान। चिराग पासवान आपको क्यों अच्छे लगते हैं? वो पढ़े लिखे हैं, एक तो उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, फिर वो युवाओं के बारे में बहुत सोचते हैं। उनकी जैसे वो है कि वो किसी के अंडर में काम अभी तक तो नहीं किए, हमेशा से ही वो अलग से काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। यादव का बात करें ना, तो पहले के ज़माने में जितना क्राइम ये सब होते आ रहा था पहले, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ये लड़कियों को घर से नहीं निकलना ये सब चीज़ होता था, उस सब चीज़ से डर लगता है कि फिर से ना कहीं आ जाए वो चीज़, तो इस वजह से उनको नहीं। लिखा नेता अगर कुछ बनता है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए। क्या लगता है चिराग पासवान पढ़े लिखे हैं? हाँ हैं, हैं, हाँ। क्या लगता है कि चिराग पासवान लुक वाइज आपको अच्छे लगते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई से या फिर काम बेसिस पे? नहीं, काम बेसिस पे। हाँ, लुक से तो कोई लेना देना है नहीं इस चीज का, बट वो काम अच्छा करेंगे तो सबको अच्छे लगेंगे। और जो भी हो, बिहार हमारा डेवलप करना चाहिए, उस तरीके से चलाए तो हर कोई हम लोग सपोर्ट करेंगे। चाहिए बस वही है कि जो भी है कि लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो वैकेंसी अब तक रुकी हुई है, अभी तक नहीं आई है, उसको आगे अगर जो भी आता है आगे बढ़ाए, वैकेंसी दे। पहले होता था वैसे अब ना हो, ये हम लोग चाहते हैं कि जो भी आए जैसे चल रहा है वैसे ही। हाँ, हो सकता है कि तेजस्वी के आने से कि कहीं ना वो होता है ना थोड़ा कि लोग जातिवाद में आ जाते, बहुत ज्यादा आ जाते, फिर अगर वो हुआ तो फिर से वही माहौल हो जाएगा। जो कि चिराग अगर सीएम बन जाते हैं तो युवा हैं, युवा के लिए काम करेंगे? हाँ, बहुत अच्छे से काम करेंगे, इसलिए हम लोग भी उनको सपोर्ट करेंगे, मतलब चाहेंगे कि वो बने। बिहार की जो राजनीति है, जात पात की राजनीति होती है, लोग अपने जात को वोट देना चाहते हैं, तो इसको किस प्रकार देखती है? ये तो गलत चीज है। देखिए, जाति से किसी को ये चीज नहीं करना चाहिए। ना बहुत ज्यादा देखा जाता है कि हम जिस कास्ट के हैं ना, उसी जो भी खड़ा हो रहा है उसी को देंगे वो लोग, मतलब ये इस चीज पे बहुत कम फोकस करते हैं कि कौन ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। बस मेरे जाति का होना चाहिए, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, जो काम अच्छा करे उसको वोट दीजिए, बस यही। हाँ, काम से डेवलपमेंट होगा, अगर जाति को देखा जाएगा डेवलपमेंट नहीं होगा बिहार। हाँ, वो तो बट हाँ पीछे ही जाएंगे। तो बस मेरे को आगे बढ़ाए तो फिर तो ऐसे, जो अगर कोई ऊपर जाति का बनता है तो वो नीचे वाले को फिर पूछेगा नहीं, तो फिर प्रॉब्लम होगा, वही जाति का डिफरेंस आएगा। और तब तो सरकार भी बोलती है कि जाति खत्म करो, खत्म करो, तो उसके लिए होना चाहिए कि जाति से बात आई तो बिहार में अभी जो है कास्ट सेंसस चल रहा है, जो जात गिना जा रहा है, जाति को एक कोड दिया जा रहा है और जातिगत जनगणना करवाया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या सोचती हैं? ये सब चीज़ गलत है। देखिए, कभी भी किसी के जाति के ऊपर वो चीज़ होना ही नहीं चाहिए। और मतलब ब्राह्मण को अलग कोड दिया जा रहा है, राजपूत को अलग कोड दिया जा रहा है, भूमिहार को अलग कोड दिया जा रहा है, ये दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये भी हो सकता है कि हो सकता है सरकार गिन के फिर जो पीछे है उनको डेवलप करने के लिए कुछ करे, उनके लिए कुछ अलग से लाए। और दूसरा फिर हो सकता है कि अगर कोई जाति ज़्यादा हो गई तो फिर वो लोग कहेंगे कि अरे यहाँ तो मेरा ही राज है, हम ही सब कुछ है। और ये फिर भी हो जाता है ना कि अगर आप नीचे वाले जाति को ज़्यादा वो चीज़ करते हो, सपोर्ट करते हो, तो फिर ऊपर वाले को बुरा लगता है। और अभी तक तो यही होते आ रहा है और दोनों में फिर इसी बात से हो जाता है, तो ये सब चीज़ ख़त्म ही रहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, और सबको बराबर ही कर देना चाहिए। क्या है 2025 का विधानसभा चुनाव, तेजस्वी जीतेंगे या फिर चिराग आने चाहिए? चिराग आने चाहिए, चिराग ही आने चाहिए, चिराग पास।
जो भी हैं, ये तीन बेटियां हैं बिहार की, और कह रही हैं कि चिराग पासवान जो है बिहार में आने चाहिए, कि चिराग पासवान के आने से बिहार में डेवलपमेंट होगा, विकास हो सकता है, ऐसा तीनों का कहना है और तीनों का अपना अपना राय है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो भी बिहार की बेटियां हैं वह चिराग पासवान के लिए कह रही हैं कि चिराग पासवान अगर आते हैं बिहार के लिए बेहतर विकल्प हैं, अगर ये आते हैं तो बिहार का डेवलपमेंट होगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि तेजस्वी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा क्राइम, बट वो तो सब लोग देख के बताने की जरूरत है नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। तेजस्वी कहते थे कि लालू राज में क्राइम था और अब हम आए हैं तो क्राइम सुधार देंगे या फिर बेटियों को अब जनरेशन से चलते जो आ रहा है वो तो थोड़ा ना थोड़ा अंश तो रहेगा ही, कोई उनके साथ कोई और है इसलिए हो सकता है कि वो कह रहे हो कि हम करेंगे, हो सकता है उनका अकेले का सरकार हो तो वो ना सुने फिर, क्योंकि एक पोस्ट पे जाने के बाद तो फिर लोग देखता नहीं है कि जनता कहाँ है क्या है, कोई मतलब होता नहीं है। कोई भी नेता होता है ना, हम तो एक ही बात बोलना चाहे, हम इस सबसे बहुत दूर रहते हैं, ये जो अंगूठा है ना अपने तरफ रखता है, ठीक है, जीते कोई भी बहुत ज़्यादा भला नहीं होता है समाज का, ठीक है, वो अपना सबसे पहले देखता है बाद में पब्लिक का देखता है, लोग मर मर के वोट देते हैं वो सही है, लेकिन वही चीज़ है नेता लोग सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं उसके बाद किसी के बारे में। देख सकते हैं कि इन बेटियों का राय था, आप भी क्या सोचते हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको चिराग बेहतर लगते हैं या फिर तेजस्वी बेहतर लगते हैं, बिहार के लिए कौन बेहतर विकल्प है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहें द बिहार टॉप, धन्यवाद।